लाइन हो तो ऐसी हो। लो भाई यहाँ पे फंसो, वो पंगा है, ये तो अच्छे भाई मैं निकल जाऊँ। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय लो मॉर्निंग हो गया। और सभी कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, रेडी हो चुका हूँ। और आज है फ्राइडे, फिलहाल बारिश हुई थी रात को, मतलब 4 बजे के आसपास से बारिश स्टार्ट हो गई थी। वो बहुत ज़बरदस्त वाली, बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही थी। और रात को मतलब 5:30 के आसपास मेन नींद खुली थी, तब मैंने देखा था तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तगड़ी बारिश। और अभी धूप वूप नहीं है, गीला हो रहा है हर जगह, मौसम बाहर ठंडा हो रहा है, पूरा हिल स्टेशन वाली फीलिंग आ रही है फिलहाल। तो दिल्ली में हिल स्टेशन के मज़े लो, कहाँ जाना है अभी आराम से जाओ, कहीं भी जाना, जब गर्मी हो तब घूमने जाना, तो दिल्ली में आ जाओ घूमने के लिए, मज़ेदार है। मानसून आ गया एक तरीके से, ये लगा लो। और आज ठीक लग रहा है, थोड़ा बिना फैन के भी आराम मिल रहा है। तो अभी फिलहाल चलता हूँ ब्रेकफास्ट करके, ऑफिस पहुँचते हैं। और आज थोड़ा टाइम से पहले रेडी हो चुका हूँ, तो ऑफिस पहुँच कर शेड्यूल बनाते हैं। आज कहीं निकलता हूँ, जैसे भी हो बातचीत करेंगे, और हो सका तो बाइक दे दूंगा, नहीं तो फिर बाइक मैं सैटरडे को दे दूंगा, क्योंकि संडे को शाम बाबा के आना है, तो संडे को भी आराम से काम करते रहेंगे। मैं आराम से मंडे को ले लूँगा उनसे बाइक, तो ऐसे ही कुछ सोचा है फिलहाल। तो बाकी देखते हैं जैसा होगा, चलते हैं फिलहाल, फिर बातचीत करते हैं। भाई अभी निकला जा रहा किसी काम से, और आज थोड़ा सा दिन बिजी चला गया ऑफिस में, ऑफिस में थोड़ा काम वाम था, उसमें बिजी था, और कहीं निकलना हो नहीं पाया दिन में। आज जैसा सोचा था बाइक को दे दूंगा, बट बाइक भी दे नहीं पाया, कहीं स्टक हो गया था क्लाइंट वगैरह के साथ, तो कुछ भी नहीं हो पाया। और अभी निकला हूँ, एक छोटा सा काम है वो काम कर लेंगे और बातचीत भी हो जाएगी, उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट निकलूँगा मैं सैलून के लिए। सैलून में जाऊँगा, थोड़े से अपडेट वगैरह सेट करानी है, क्योंकि संडे का प्लान है मेरा शाम बाबा के जाने का, तो सोच रहा हूँ अपडेट वगैरह थोड़ी बड़ी सी हो रही है, उनको सेट करा लिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, थोड़ी सी लुक बढ़िया हो जाएगी। जहाँ तक चांस है, इस बार मैं अपनी कार लेके जाऊँगा, तो हो सकता है अपनी कार में ही जाऊँ, और फ्रेंड्स वगैरह हैं 4-5 जने हैं हम, तो देखते हैं भाई क्या सीन रहेगा, क्या प्लान रहेगा, इसी अकॉर्डिंग। अब रेड लाइट हो रही है, अभी 40 सेकेंड की है भाई, वेट करना पड़ेगा। चलो भाई ये चलते हैं, ग्रीन हो गई है, ये क्या जुगाड़ कर रखा अंकल ने स्कूटर पे, पता नहीं भाई क्या करना चाहे। तू भी आ भाई, तू तो पीछे रहे, फिलहाल सबसे आगे तो मैं ही निकला हूँ भाई। और 30,000 कंप्लीट हो चुके हैं भाई बाइक से, देख सकते हो, ये देखो 4 किलोमीटर ऊपर चल गई है, क्योंकि तो कहीं मैं गया नहीं लोकल में, आसपास चले छोटी मोटी, तो इस वजह से 4 किलोमीटर ऊपर हो गए हैं। और बारिश अभी दिन में तो दोबारा हुई नहीं, कल ही हुई थी बारिश, हो रही थी उसके बाद तो नहीं हुई। देखो भाई उसी बारिश से मौसम तो चेंज हो गया है, और बल्कि बहुत जगह तो पानी लॉकिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, अंडर पास वगैरह सब बंद हो गए हैं। अभी वापसी में देखता हूँ, उस पहले अंडर पास से आने की सोच तो रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे जाम होगा, लेकिन वो अंडर पास दिन में तो बंद था, अब पता नहीं चालू हुआ है नहीं हुआ है, एक बार ट्राई कर लूँगा, नहीं तो फिर भाई रूट थोड़ा सा लेना पड़ेगा, तो अलग रिस्की वाला रूट रहेगा आज का, क्योंकि ये इस वाले पर तो जाम मिलना है। देखेंगे भाई, कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, जिससे कि जाम में भी ना फंसूँ और पानी लॉकिंग में भी ना फंसूँ। देखते हैं क्या सीन रहेगा, बोल रहे तो जाते हुए जाम है, क्या हो रहा है आज, आज आते हुए खाली दिख रहा है, जाते हुए जाम है, ये तो अलग ही मैटर हो गया भाई, गड़बड़ तो नहीं है, कभी लंबा फंस जाऊँ मैं दिक्कत हो जाएगी भाई, लंबे फंस गए तो। देखते हैं भाई, होप तो कि निकल जाऊँ आराम से। ओ भैया यहाँ तक जाना, यहाँ से चलते हैं, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से निकालने को लेकर जुगाड़, नहीं तो ऐसे तो रुका रह जाऊँगा, फिर निकलना ही मुश्किल है। जाम क्यों लगा हुआ भाई, बस का जाम है या पूरा लंबा जाम है। अंदर लेना पड़ेगा तभी निकल पाऊंगा, यहाँ तो आज फंसने वाली कंडीशन है भाई पूरी। ओहो या स्कूटी मास्टर की स्कूटी अटक गई,
थोड़ा सा आगे निकल के है ना, वहाँ से लेफ्ट लेके निकलूँगा भाई, क्योंकि सब निकल रहे होंगे लेफ्ट लेके, वैसे भी वहाँ पर भी जाम लगवा ही देंगे, सब लेफ्ट लेके जाएंगे तो वहाँ भी जाम लग जाएगा, गाड़ी वाड़ी सब बता रहे थे। थोड़ी सी खींच लो भाई आगे, थोड़ी जगह दे दो मुझे भाई, बिजली की तार है, बहुत आराम से निकालना वहाँ से। तू क्यों नहीं चल रहा भाई? यहीं से चलता हूँ मैं, अभी तो चल रहता हूँ, लेकिन थोड़ा ध्यान से निकलना पड़ेगा भाई। बस बहुत है, इतनी जगह बहुत है, यहाँ से लेता हूँ लेफ्ट भाई, सब लेफ्ट से जा रहे हैं, मैं भी लेफ्ट लेके निकलता हूँ। फंसेंगे तो फंसना तो वैसे भी है, इधर भी फंसना है इधर भी फंसना है भाई, फंस ही लेंगे, देखते हैं भाई क्या सीन रहेगा। ट्रैफिक यहाँ भी पूरा आ रहा है भाई, तो जाम लगने के चांस यहाँ भी है। यहाँ पे आया था रेलवे स्टेशन, ट्रायर वाला रेलवे स्टेशन है यहाँ पर, तो वो एरिया आ गया, ट्रैफिक आ रहा है ना यहाँ से भी, इसका अलग जाम है यहाँ पे भी, पानी भरने की वजह से पंगा है ये सारा यार, बड़ा पंगा है यार, तो जाम लगा हुआ है। रिक्शे वाले को निकलने की जगह नहीं दे रहे लोग, तो एनी हाउ निकला हूँ थोड़ा सा तो आगे भाई, जाम लग गया था स्टेशन की वजह से, क्योंकि आना जाना दोनों हो रहा था वहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा रोड ब्लॉक हो गया था बस। अगर गाड़ी वाले से आगे निकल जाए तो ये दोबारा से लगवाएगा जाम, क्योंकि आगे रोड छोटा भी हो रहा है, पतला भी हो रहा है, लोग आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, तो चांस ज़्यादा है जाम लगने के। गाड़ियों में तो वैसे दिक्कत रहती है, इससे आगे निकाल लूँ किसी तरह, बट पॉसिबिलिटी कम दिख रही है। एक तो रोड भी तो टायर से गिरे हुए हैं ना, कहीं एकदम से निकाल लूँ ब्रेक लेनी पड़ जाए तो पता चला हो गया वहीं लेट गया मैं भी। फाइनली निकाल ही दिया आगे, और आगे तो जाम दिख रहा है भाई मुझे, लाइन लगी हुई है, बहुत बढ़िया लाइन हो तो ऐसी हो। लो भाई यहाँ पे फंसो, गाड़ियाँ आ रही है सामने से, वो कह रही है बहुत तगड़ा जाम है भाई, अभी भी अभी ये लोग और जाम लगा वाली बोली जा रही थी, आगे निकल निकल के फंस गया भाई आज तो मैं। भाई एट लास्ट मुझे वापस ही लेना पड़ा, क्योंकि आगे पूरा ब्लॉक था रास्ता, पता नहीं कितना टाइम लग जाता मुझे, और बाहर मेन रोड पूरा ब्लॉक हुआ हुआ है, मैं वापस ले रहा हूँ फिलहाल, तो अब देखता हूँ वापस, या तो वापस घर ही निकलूँगा मैं, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है अभी खुलेगा और फिर जाऊँगा, टाइम पास होएगा मेरा, कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा इस तरीके से देखा जाए तो। टाइम वेस्ट ना करते हुए मेरे को यही लग रहा है कि भाई वापसी निकल लो, वो बढ़िया है, देखते हैं। अब जाना तो मुश्किल है, काम जिस काम से आ रहा हूँ कैंसिल ही करना पड़ेगा, कल ही निकलूँगा वहाँ के लिए, तो भाई चलो भाई ये तो जाम दोबारा लग गया भाई, इधर तो यार बहुत फंसूँगा मैं आप। अरे यार गाड़ी से आगे निकलना पड़ेगा आप ज़रा, तो यहाँ तो और ज़रा ब्लॉक हो जाएगा रोड, तो स्कूटर बाइक वाले तो रुकने से गए, देखो ऊपर चढ़ चढ़ के आ जाते हैं, तो गाड़ी में भी बस उठाने वाला बन लग रहा था, आ जाते हैं सारे, देख नहीं रहा कि आगे से गाड़ी आ रही है, हम पहले निकल जाते हैं, तरह जाम और लंबा लग जाएगा ऐसे तो, सबको जल्दी आगे से और गाड़ी आ रही है भाई, आज तो फंसे फंसे ही फंसे, आज तो फंसे ही फंसे, आज तो सीन ही अलग हो गया। चले भाई बलेनो वाले एक दो स्क्रैच मत लगवा लिया आराम से खींच, लेकिन ले लो बलैनो बलैनो किसकी हो जाती है अभी बाइक वाली के साथ।
बहुत मुश्किल हो रहा है, सीन अलग बना हुआ आज तो भाई। ये सारा पंगा हो रहा है पानी भरने से, जो पानी लॉकिंग हो गया ना अंडर पास में, वो पंगा है। ये तो अच्छे भाई, मैं निकल जाऊँ तुम खेलते रहो, ये अटक गए अब दोनों। अब ना उसकी निकलनी ना उसकी निकलनी, क्योंकि आगे दीवार है, रोड और छोटा, फंसे रहो भाई, तू बीच में खड़ो के ना चले। ओहो देखो कितना यहाँ पे पानी भर गया छोटी छोटी जगह पे, और अंडर पास इसमें तो फिर क्या ही बात हो सकती है, अंडर पास तो पूरे लॉकड है। आज तक तगड़ा सीन है भाई बारिश का, न्यूज़ में तो यार रिकॉर्ड टूट गया भाई, पता नहीं कितने सालों रिकॉर्ड तोड़ दिया, पता नहीं भाई कब बारिश होती है तो रिकॉर्ड टूट जाता है, ठंड होती है तो रिकॉर्ड टूट जाता है, गर्मी होती है तो भी कोई ना रिकॉर्ड टूटता है। ये रिकॉर्ड पता नहीं कैसे है, वैसे इतनी ठंड भी लगती है इतनी गर्मी लगती है, इससे ज़्यादा बारिश भी देखी है तब भी रिकॉर्ड टूट जाता है। इनके रिकॉर्ड कुछ अलग ही होते हैं, और पता नहीं कौन से रिकॉर्ड लगा के रखते हैं। चलो भाई बढ़िया है, रिकॉर्ड तोड़ा अच्छी बात है, जाम में नया रिकॉर्ड तोड़ गया आज तो ये कह सकता हूँ मैं, क्योंकि जाम में पूरा प्रॉपर मिल रहा है, थोड़ा सा रॉन्ग साइड लेना पड़ेगा आज के लिए, गुस्सा की माफ है भाई, मजबूरी है मेरी, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो वापसी घर निकलने का यही ऑप्शन है, तो यहाँ से निकल रहा हूँ वापस। तो भाई साहब माफ़ करना आज थोड़ा सा मैंने भी गलत किया है रॉन्ग साइड लेके, क्योंकि आगे पूरा रास्ता ब्लॉक हुआ हुआ है, वापसी जाने का और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, मुझे मजबूरी यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को वहीं रुकना पड़ता, रात को होटल वोटल लेकर रुकना पड़ता, जिस हिसाब से जाना उस हिसाब से रात को स्टे वहीं पर ही करना पड़ता, नाइट स्टे वहीं करना पड़ता, पंगा हो जाता फिर। कोई नहीं भाई अब कभी कभी हो जाता है, बच्चे से अच्छा वापस निकलना है। यहाँ से लेफ्ट ले लेते हैं क्योंकि घर की तरफ ये रास्ता जाता है, आगे और कहीं जाने का मन भी नहीं है ना कहीं जा सकते भाई, जाम हर जगह दिख रहा है आज तो, जब आपको तो दिख रहा है जाम है तो कहीं क्यों फंसो जाती है, ले लो यहाँ भी जाम, यही बचा था बस, नहीं यहाँ जाम नहीं है, यहाँ थोड़ा सा रोड क्रॉसिंग की वजह से जाम है बस। पहले भैया निकालते राइट मोड़ दोगे क्या, फ़ोन अटका के बैठे हैं यहाँ पे, बताओ मेरे को किसने जाम लगा रखा है, ये भाई साहब ये सेल्टर वाले भैया को दो कोई, तुम टूट दो उनको, चलो भाई बस वाले भाई साहब भैया होते लोग जाम में सबसे बड़ा दिमाग खराब हो चुका है, मुझे जाने दो घर, मैं नहीं आ रहा कहीं भी आज भाई, आप सब की अभी छुट्टी पूरे फुल हॉलीडे, अब पेपर में मजा है बस, जाम में मज़ा नहीं है। ये क्या हो गया इको स्पोर्ट वाले को, कैसे रोड क्रॉस करा रहे हो भाई, इको स्पोर्ट वाले लोगों को बुद्धवा मत कर भाई, ऐसे गलत काम करते हैं। भाई पूरा रास्ता वापस नहीं गया, बस ये घर के आसपास से रास्ता खुला हुआ है, बाकी हर जगह जाम हुआ हुआ है, तो अब मैं वापस पहुंच रहा हूँ, ले भाई इसको भी रुकवा दिया। चलो भाई मैं वापस पहुंचता हूँ, अब घर घर पहुँचे पहले सलून जाऊँगा, सलून से मैं घर पहुँचता हूँ, फिर बातचीत करेंगे आपसे, बहुत धन्यवाद भाई। जिस काम से गया था वहाँ से आ गया हूँ, और बाइक वगैरह पार्क कर दिया, अब डिनर करना रेस्ट करना, और सलून होता हुआ आया हूँ, देख लो बेड वेड सब सेट हो गई है, और कल सैटरडे तो कल करा नहीं सकता इसलिए आज करा ली, और जाम में फंस के बढ़िया वाला आया, बढ़िया जाम में फंस गया था, तो चलते हैं आप डिनर वगैरह करता हूँ, रेस्ट करते हैं, ब्लॉग को एडिट करते हैं और बातचीत करते हैं कल, तो करते हैं इस ब्लॉग को एंड, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के नई बातों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब नया जाना, कल मिलते हैं, बाय बाय।